नमस्कार दोस्तों तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रॉफिट्स देख लिए होंगे और मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूंगा कि ये सारे के सारे प्रॉफिट्स मेरे नहीं है ये के सारे प्रॉफिट्स हैं जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है और प्लस मेरे क्लाइंट्स के प्रॉफिट हैं ये अभी तो मैं बहुत कम प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं मैंने सोचा कि एक मिनट के अंदर जितने आ जाए तो ग्यारह प्रॉफिट्स ही आए और बहुत बहुत सारे प्रॉफिट्स शो कर रहे थे So, ये प्रॉफिट्स कैसे कमाए उन लोगों ने क्या क्या स्टॉक्स मैंने दिए क्या लॉजिक था तो लॉजिक आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं तो जो जो स्ट्रैटेजी जो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया उसके पीछे का रीजन क्या था अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही सारी टेक्निक्स हम रेगुलर वीडियोज पे अपने फॉलो करते थे एंड उसके बेसिस पे हम लोग बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट कर रहे थे मैं आपको अपना पर्सनल वाला भी टेलीग्राम दिखाऊंगा जहां पर मैं अपने क्लाइंट्स को बताता था कि कौन से शेयर बाय करने हैं परफेक्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बिकॉज ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिफ्थ ऑफ अप्रैल से मैं अपनी दोबारा सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ जिसपे मैं तीन प्लान्स लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में बात करूंगा यू डोंट नीड टू वरी और टेलीग्राम पर मैं आपको शो करके दिखा दूंगा तो सबसे पहले चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एंड वहां पर ही मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊंगा ठीक है तो लेट्स मूव टू आर टेलीग्राम चैनल एंड मैं टेलीग्राम चैनल पे आ चुका हूं और uh, ये वाला जो पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट वेट यस ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का यहां पे आप क्लियर पिक्चर पे देख सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट्स के स्क्रीन मैंने ऑलरेडी यहां पर शेयर कर रखे हैं एंड लेट मी गो टू द टॉप ठीक है ये आ गया फर्स्ट ऑफ अप्रैल जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है फर्स्ट ऑफ अप्रैल को भी हम लोग अभी छोड़ते हैं और हम लोग चलते हैं थर्टी फर्स्ट को थर्टी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ओके सो थर्टी फर्स्ट को मैंने बोला था विद गैप डाउन मार्केट आर स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेरी गुड जो मैंने आप लोगों को दिया था ठीक है उसके अलावा यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं चेन्नई पेट्रो दिया था एंड एफ सी दिया था राइट ना एफ सी एल इस ट्रेडिंग एट सिक्सटी सेवन रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड उसके अलावा बजाज फिनसर्फ दिया था बजाज फिनसर्फ मैंने नाइन्टी फाइव हंड्रेड के आसपास आपको प्रोवाइड करवाया था एंड राइट नाउ इट्स करेंटली ट्रेडिंग एट नाइन्टी सेवन फिफ्टी नाइनटीन सेवन एट्टी के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करा था ठीक है एंड आज की अगर हम लोग बात करें तो आज सबसे पहले हम लोगों ने बारह बजे एग्जैक्ट बाय करा हैपीएस्ट माइंड सेट टेक्नोलॉजी एट 566 सिक्सटी पे मैंने बोला एक महीने में ये 630 टू 650 जा सकता है आज के हाई की बात करें आज इसने जो हाई लगाया है सिक्स हंड्रेड एंड सेवनटीन रुपीज का जब हम लोगों ने इसे बाय करा फाइव सिक्सटी सिक्स रुपीज पे थोड़ा सा नीचे गया एंड उसके बाद सीधा अपसाइड की रैली एंड फाइव सिक्स हंड्रेड एंड सेवनटीन तक गया दोनों चार्ट्स पे दिखाऊंगा मैं आ, नीचे आइएगा सबके बाद हम लोगों ने निफ्टी पे एक बाय सेटअप जनरेट करा एट वन थर्टी एट रुपीज पे फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड की कॉल ऑप्शन बाय करी थी वन सिक्सटी फाइव वन पे हम लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग इस पे करी थी ठीक है ये चार्ट स्ट्रक्चर था निफ्टी का जो कि मैंने आप लोगों को बताया था एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रैली हमें देखने को मिली है निफ्टी के अंदर प्लस आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप ये स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं प्लस आप देखेंगे तो यहां पर हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया था सेल करवाया था पुट ऑप्शन जब लोग पुट ऑप्शन सेल करवा रहे दैट मीन्स वी आर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी हम लोग बुलिश थे बैंक निफ्टी के अंदर मैंने दो बजे करीब करवाया था बट दो पंद्रह तक ब्रेकआउट और अप मूव स्टार्ट हुई थी मैं आपको शो करूंगा डोंट वरी सिक्सटी रुपीज पे बाय करवाया सेल करवाया था ट्वेंटी रुपीज टारगेट था जो कि जीरो पॉइंट फाइव तक गया था एंड कुछ हमारे क्लाइंट्स थे जिन लोगों ने एग्जैक्ट जीरो पॉइंट टेन पैसा ट्वेंटी पैसा पे एग्जिट कराया उसी के साथ फोर एटी पे अगली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करवाया था और उसका जो हाई था गाई यकीन नहीं मानेंगे सेवन फिफ्टी का हाई लग के आया है यस yes. आप पूरा देख सकते हैं सारे के सारे हमारे टारगेट्स अचीव हुए सारा का सारा कुछ हुआ एंड चलिए चलते हैं एंड चेक करते हैं ठीक है सो so, लेट्स मूव टू तो आर एनालिसिस एंड इस एनालिसिस में मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड ठीक हैप्पीएस्ट happiest mindset ओपन कर लेते हैं yes, ओके okay, सो so मैंने happiest mindset ओपन कर लिया अ सिंपल एंड क्लियर एनालिसिस की एक यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला अ सिंपल पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है आप क्लियर पिक्चर में देख सकते हैं शाब अपसाइड एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा रेंज का ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट से पहले ही हम लोगों ने कैप्चर कर लिया ये yes, हम लोगों ने ब्रेकआउट से पहले ही स्टॉक को कैप्चर कर लिया था ठीक है सो लेट मी शो यू यून अर्ली टाइम फ्रेम आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं जस्ट वेट अ सेकेंड यस अर्ली टाइम फ्रेम पे मैं अगर आप लोगों को लेकर जाके दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा के टाइम फ्रेम पे चलते हैं ठीक है यहां पर आप लोगों को पूरी एनालिसिस समझ में आ गई है एंड लेट सी क्या हुआ था ये हुआ था uh, आप यहां देखिएगा हम लोगों ने फाइव सिक्सटी सिक्स पे एग्जैक्ट इस लेवल पे बाय करा ब्रेकआउट मल्टीपल कंसोलिडेशन एंड हम लोगों ने इस लेवल पे बाय करा था एंड आप कंटिन्यूअसली दे सकते हैं द हाई इज फाइव सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेल्व का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेट मी टेल यू अबाउट रिटर्न एंड रिटर्न टू एट परसेंट इन अ डे इन अ सिंगल डे विद इन टू थ्री आवर्स हमें आठ परसेंट का रिटर्न मिल रहा है इन अ स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग भी ना बोलूं क्योंकि एक दिन के अंदर अचीव कर गया ऑलमोस्ट आई हेव एग्जिटेड सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ माई क्वान्टिटीज एंड आई एम स्टिल होल्डिंग येस आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इट कम्स फॉर अ डिप आई एम गोन स्टिल गो फॉर अ बाय ठीक है सो लेट मी टेल यू अबाउट द टारगेट हाउ आई फाइंड दैट टारगेट सो आप यहां क्लियर बेसिस पे देख सकते हैं लेट मी यूज दैट फिबोनाची रिट्रेसमेंट फेबोनाची एक्सटेंशन का मैंने यूज करा एंड दिस शुड बी माई टारगेट ये मेरा टारगेट है ठीक है जो कि फर्स्ट टारगेट इज 658 7, का एंड सेकंड टारगेट इज अप्रोक्स 700 रुपजेस का ठीक है तो ये मेरे कुछ टारगेट्स थे जो मुझे पता था आएंगे एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% परसेंट टारगेट अचीव कर चुका था सो so, ये सिंपल एनालिसिस हम लोगों ने अपने स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन करी थी ठीक है इसके अलावा बजाज फिनसर्व दिया था लेट्स चेक बजाज फिनसर्व ये मैंने सारे स्टॉक्स आप लोगों को

एंड उसके बाद जो एक ब्रेकआउट आया ऑलमोस्ट लेट मी टेल यू अबाउट द रिटर्न एज वेल रिटर्न जो इसने दिया ऑलमोस्ट ढाई परसेंट तक रिटर्न दिया है मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने टू थर्टी पॉइंट तक का हमें मूवमेंट दिया है विद विद इन इन डेज डेज के अंदर बहुत बढ़िया मूवमेंट ही दिया है सो so, आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क कर रही है सिंपल प्राइस एक्शन एंड द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टॉक देख सकते हैं मार्केट गिरी थी ये स्टॉक बड़ा था उसके अलावा एक और स्टॉक दिया था गार फाइबर्स इसके बारे में हम लोगों ने बात बात भी करी थी इसको भी दिखा देते हैं यू डोंट नो इट टू वरी आप ये भी देखिएगा आपको बताया था कि एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा है एंड यहां पर हम लोगों ने बाय सेटअप जनरेट करा था एंड मैंने आपको बोला था मैंने तो इस लेवल पे बाय करा था एक ब्रेकआउट ये फॉल्स ब्रेकडाउन अंदर इनसाइड कैंडल बनी अंदर आया यहां पर मैंने बाय करा था मैं पेशेंसली वेट करते रहा जब मुझे ये लॉस दिखा रहा था बट इवेंचुअली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड मेरे टारगेट्स जो हैं इसके ऊपर के भी है या भी है यानी कि इवेंचुअली इसका ब्रेकआउट दे सकता एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक शायद आप लोगों को मेरे इस प्रॉफिट्स में दिख गया होगा वो तो मेरे क्लाइंट का था मैं अपने प्रॉफिट्स रिवील नहीं कर रहा बट यहां पर आपको मेरे क्लाइंट्स के प्रॉफिट्स दिख गए होंगे ये स्टॉक अभी भी उस पोजीशन में होल्ड में है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें आठ परसेंट तक का रिटर्न दे रहा है लेट मी शो यू या आठ परसेंट तक का रिटर्न दे रहा है ठीक है आठ साढ़े आठ परसेंट तक का रिटर्न दे रहा है यह एनालिसिस आप लोग समझ सकते थे इसके अलावा अगर मी शो यू कि मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर आइशर मोटर दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ uh, मैं आपको दिखाऊंगा रियल में आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने क्लाइंट्स को जो प्रोवाइड करवाया था ठीक है uh, ये देख सकते हैं एग्जैक्ट इस लेवल पे एग्जैक्ट ये ब्रेकआउट पे बाय करवाया है एग्जैक्ट ट्वेंटी टू हंड्रेड पे एंड करेंटली इट्स ट्रेडिंग एक्ट ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टेन परसेंट तक का रिटर्न मतलब मैं मान के चलू क्लोजिंग भी ले लूँ एट परसेंट मतलब विद इन अ वीक हम लोगों को तीन स्टॉक्स के अंदर आठ परसेंट तक के रिटर्न्स मिल रहे हैं गाइस एंड इट्स वेल एंड गुड कुछ हमारे स्टॉक्स थे जिन लोगों ने लॉसेस भी बुक करे हैं जैसे क्यूबिन ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक था अराउंड हम लोगों ने यहां पर कहीं साइड बाय करा था ये मेरा स्टॉप लॉस था स्टॉप लॉस एग्जिट कर गया था कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, yes. almost, almost 6 था ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट छः परसेंट का स्टॉप लॉस था बारह रुपये का यह हमारा हिट करा था एंड एक और था प्लस उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा शायद इट्स पेट्रोनेट देखिए जो सामने है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इट्स नॉट दैट कि हमेशा हमारी एनालिसिस परफेक्ट जाएगी ठीक है एंड इसकी प्रॉबल था कि हम लोगों ने इस लेवल पे बाय करा था एंड दिस शुड बी माय टारगेट इस लेवल पे बाय करा था एंड ये मेरा यस yes, इस पर भी मेरा बारह रुपए का नुकसान हुआ था अराउंड पांच परसेंट का इसमें भी मेरा नुकसान हुआ था इसके अलावा हम लोगों ने आइशियर मोटर्स पे बाय पोजीशन बना रखी थी लेट मी शो यू दैट ऑल्सो आशिया मोटर्स भी हाँ ये yes, सब देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने पच्चीस सौ रुपए पच्चीस सौ तीस रुपए के आसपास बाइंग बनाई थी एंड इसका जो हमें रिजल्ट मिला था जब हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट मतलब वन सिक्सटी वन पॉइंट एंड मैं आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस पे बता चुका हूं जो कोर्सेज मैंने पढ़ा रखे अपने स्टूडेंट्स को उस पर मैंने क्या बोल रखा है कि हमेशा परसेंटेज वाइज पे अगर आप अपनी ट्रेडिंग करोगे यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट बट अगर आप प्रॉफिट वाइज अपनी ट्रेडिंग करोगे यू विल नेवर गेट अ वेरी गुड रिजल्ट ठीक है वहां पर बारह रुपए का लॉस हुआ तो वहां पर क्या करते हैं लोग क्वांटिटी टन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड क्वानिटीज बाय कर लेते हैं या स्टॉक महंगा दिखता है तो वो लोग बाय नहीं करते हैं तो इन इवेंचुअली लॉस बुक करना पड़ता है बट वट आई एम सीट मैं सोच के चल रहा हूं कि यहां पॉइंट वहां पचास रुपए का लॉस तो इवेंचुअली वी गेंड हंड्रेड पॉइंट सो so ये स्ट्रेटेजी अगर आप लोग चाहते हैं मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर डोंट वरी प्लस आज बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की जिस पे हम लोगों ने इवेंचुअली बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया है फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द बैंक निफ्टी ठीक है बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कहां पर buy setup को generate करा. मूव टू 15 मिनट्स uh, के टाइम फ्रेम पे ही आज मैंने एनालिसिस करी थी एंड यस क्लियर वे में आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से पोजिशन काम करेगी ओके ओके यहां पर आप लोगों ने देख लिया आप क्लियर पिक्चर पर देख सकते हैं क्या हो रहा है एक फॉल आया ठीक है इस लेवल से उसके बाद ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था ठीक है इवेंचुअली क्या हुआ इसे दोबारा नीचे जाना चाहिए था आई वेटेड मैंने वेट करा उसके बाद यहां पे एग्जैक्ट इस लेवल पे ही मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय करने के लिए दिया था अगर आप टाइम चेक करेंगे मी टेल यू अबाउट द टाइम ये टाइम हो रहा है अराउंड जस्ट वेट अ सेकेंड टाइम हो रहा है दो बजे एंड uh, मैंने किस टाइम पे प्रोवाइड कराया था लेट मी टेल यू अबाउट बैंक निफ्टी एट टू बज के एक मिनट पे मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम मैंने प्रोवाइड करवा दिया था ठीक है सो so, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से एक शार्प अप रैली हमें देखने को मिली एंड इट अचीव्ड ऑल आर पर्टिकुलर टारगेट एंड दिस इज माय टारगेट मेरा टारगेट हाई नहीं था हाई पॉइंट नहीं था माय टारगेट इज अराउंड 886 परसेंट ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल सो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी यूज अ फिबोनाची आप चेक करिए कि मैं क्या चीज फॉलो कर रहा हूं कि आप लोगों को फायदा हो ठीक है एंड मैं खुद जो बाय कर रहा हूं वो जब आप लोगों को बाय करवा रहा हूं तो मेरी एनालिसिस तो आप देखिएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ठीक है सो दिस इज माय एनालिसिस आपको क्लियर पिक्चर दिख रही है कि एग्जैक्ट इस लेवल पे मैंने रेंज बनाई थी जो कि फिफ्टी था फिबोनाची का इसका ब्रेकआउट दिया दिस पर्टिकुलर इज माई टारगेट दैट इट एट एट्टी सिक्स परसेंट रिट्रीसमेंट लेवल एग्जैक्ट यहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है अपनी ठीक है सो so, एग्जैक्ट हमें पता है कि कहां तक स्टॉक जा सकता है कहां पर एंट्री बनानी है ओके डोंट वरी लेट्स मूव टू निफ्टी एनालिसिस निफ्टी एनालिसिस पे यहां पे हम लोगों ने फाइंड करा था अ कप एंड हैंडल पैटर्न क्या फाइंड करा था एक कप एंड हैंडल पैटर्न को हम लोगों ने फाइंड करा था एंड लेट मी अश्योर यू आप यहां देख सकते हैं यस सिंपल वे में आपको यहां दिख रहा है एक कप एंड हैंडल पैटर्न का एक क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल एक कप एंड हैंडल का बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट आया एग्जैक्ट ब्रेकआउट से पहले हम लोगों ने बाय सेटअप जनरेट करा एंड वी गो फॉर अ बाय जैसे ही हम लोगों ने बाय करा आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोगों को आराम से 60 टू 70 पॉइंट्स रीच करें एंड हमारा टारगेट जो था वो ऑप्शंस के थ्रू अचीव हो गया था सो so, आप क्लियर वे में देख सकते हैं कि हर एनालिसिस को वी कैन फॉलो सारी चीजें फॉलो कर सकती है हमारी मार्केट गिर रही थी बट हमारे स्टॉक्स रीच कर रहे थे यू हैव टू फाइंड अ गुड स्टॉक सिलेक्शन जो कि आपको लगता है कि मार्केट गिरी तो गिर भी हमें प्रॉफिट दे सकते हैं बट अगर वो मार्केट के साथ गिर भी रहे हैं बट जिस दिन मार्केट बढ़ेगी तो वो पूरा का पूरा पैसा हमारा लॉस रिकवर कर सकती है ठीक है तो ये सारे स्टॉक्स फाइंड करने होते हैं उसी के लिए मैंने एक लिस्ट बना रखी है गाइस ये मेरी पूरी लिस्ट बनी हुई है लेट मी शो यू पोर्टफोलियो स्टॉक्स ठीक है मल्टी बैगर स्टॉक्स मंथली वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स ठीक है ये जो मेरे जो मेरे बनी हुई है इन वॉचलिस्ट के बेसिस पे ही मैं अपना स्टॉक सिलेक्शन करता हूं फॉर अ स्विंग ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कंपाउंडिंग के ऊपर और जो मेरा 20 साल का गोल है उसके ऊपर जो मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं कौन से ऐप के थ्रू कर रहा हूं वो भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा कौन से ब्रोकर के थ्रू कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा यू डोंट नीड टू वरी हल्के हल्के मैं सारा कुछ लेकर आऊंगा बिकॉज इस अप्रैल से मैं हो चुका हूं फ्री नहीं नहीं फ्री नहीं कल मैं शायद नैनीताल जा रहा हूँ मेरा थर्ड अप्रैल को बर्थडे है तो मैं कल परसों दो दिन के लिए नैनीताल हूँगा सो so, तब शायद मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊं बट मैं कोशिश करूंगा कल जाने से पहले पहले मैं एक वीडियो तो अपलोड कर दूं जिस पर मैं मंडे के स्टॉक्स आपको बता के चले जाऊं ठीक है सो so, दो दिन का मुझे छुट्टी दीजिए प्लीज एंड ये पूरी की पूरी वॉच लिस्ट डोंट वरी आई विल शेयर विद यू ऑन स्लो टाइम मतलब हल्के हल्के सब कुछ शेयर करूंगा एक साथ सब बता दिया जाएगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है सो so, यही रीजन था अब चलिए लेट मी शो यू अबाउट द देखिए आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ चुकी हैं एंड लेट मी टेल यू अबाउट थिंग कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो मैंने ठीक से शो नहीं करा हुआ शायद मैंने अपने एक स्टॉक में किसी को बताया था जस्ट वेट अ सेकेंड ये कुछ प्रॉफिट्स शेयर करे हुए हैं ठीक है एंड डोंट वरी मैं यहीं पर ही आप लोगों को बता देता हूँ यू डोंट नीड टू वरी ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉट वी हैव स्टार्टेड की वॉट वी आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग वन टू टू लाइव इंट्राडे सेटअप्स जो कि वन टू टू इसलिए है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है आई विल प्रोवाइड यू आज के आज मैंने आप लोगों को मंथली के लिए हैप्पीएस्ट माइंडसेट दिया था बट के अंदर अचीव कर गया दो आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कराई थी जो इंट्रा के अंदर अचीव कर गई इट्स डिपेंड अपॉन द मार्केट मैं आप लोगों को शुरुआत से बताते आ रहा हूं आई एम अ स्विंग ट्रेडर आई एम अ बीटीएसटी ट्रेडर आई एम एन इन्वेस्टर आई एम नॉट अ ट्रेडर इन आई एम नॉट एन इंटरा ट्रेडर ठीक है बट कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू बट ऐसा नहीं है कि आप लोग दिन में बोलो कि सर हमें हर दिन प्रोवाइड करवाइए तो वैसा नहीं हो पाएगा 10 टू 12 लाइव स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स ये ज्यादा भी हो सकते हैं मैं कम नहीं कह रहा मिनिमम तो दस तो मैं प्रोवाइड करवाई दूंगा इससे भी ज्यादा हो सकते हैं टेन टू ट्वेल्व ऑप्शन सेटअप्स फ्यूचर में ज्यादा मैं करता नहीं हूं बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑप्शन इक्विटी की जगह उसमें फ्यूचर में ट्रेड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं पांच कमोडिटी सेटअप्स ठीक है कमोडिटी सेटअप भी प्रोवाइड तभी होंगे जब हम लोगों को कोई परफेक्ट सेटअप दिखेगा इफ द मार्केट इज इन अ रेंज और चौपी और वॉलेटाइल होगी तब तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करवाएंगे ओके okay? अब तीन ऑप्शन प्लान है ठीक है मैं आप लोग यहां पर आपको दो दिखा देता हूं फर्स्ट इज अ मंथली सब्सक्रिप्शन जो कि आप लोग ले सकते हैं फॉर अ मिनिमम फी ऑफ टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ थ्री मंथ की सब्सक्रिप्शन है जो की फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर थ्री मंथ फॉर अ क्वार्टर एंड एक थर्ड प्लान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो यहां नहीं है मैं आज अपलोड कर दूंगा ऑन अ टेलीग्राम एज वेल यू डोंट नीड टू वरी थर्ड प्लान इज दिस फॉर दैट यू नीड अ मिनिमम कैपिटल ऑफ टेन लाख रुपीस आपको टेन लाख रुपीज की कैपिटल चाहिए होगी उसके लिए एंड विल चार्ज फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज फ्रॉम यू गाइस एंड इट्स अ लाइफ टाइम फी ये लाइफ टाइम फी होगी आपको लाइफ टाइम के लिए फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पे करना है एंड आफ्टर दैट आप हमारी सर्विस पांच लोगों के लिए सिर्फ पांच लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं इसको ठीक है पंद्रह हजार रुपए जब आप फीस पे करेंगे तब आप लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए मेंबर बच जाएंगे एंड उस पर सबसे पहले आपका जो पंद्रह हजार आपने पे कर रखा है वो रिकवर होगा ए टू जेड पहले उसे रिकवर करा जाएगा विदिन अ वीक और टू वीक उसके बाद जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे फ्रॉम योर कैपिटल दैट शुड बी ऑन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस मतलब 80 परसेंट आपका 20 परसेंट हमारा ऑन अ मंथली बेसिस हम लोग ये करेंगे जिसपे आपके जो भी ब्रोकरेज uh, टैक्स जो भी आपका चार्जेस होंगे वो डिडक्ट होकर ही हम लोग अपना निकालेंगे ठीक है एंड दैट्स लाइफ टाइम आप एक साल करना चाहो हमारे साथ पांच साल करना चाहो लाइफ टाइम करना चाहो इट्स अप टू यू ठीक है एंड द इनिशियल फी ऑफ फिफ्टीन दैट शुड बी रिफंडेड यू एज अ आपको मतलब नॉट इन अ पर्टिकुलर कैश आपको ऐसा रिफंड कर दिया जाएगा बट आपको प्रॉफिट के वे में रिफंड कर दिया जाएगा एंड उसके बाद हम लोग ट्वेंटी टू एट्टी का रिस्टोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे अब आपके लिए उसके लिए टेन लाख की कैपिटल इज मिनिमम रिक्वायर्ड एंड फॉर दैट आपका कमोडिटीज का सेक्शन भी ओपन होना चाहिए फ्यूचर ऑप्शन का भी ओपन होना चाहिए एंड आपका इक्विटी तो ओपन हो गई होगा तो ये सारे चारों सेगमेंट्स आपके ओपन होने चाहिए कि हम किसी भी, भी ट्रेड ले सकते हैं एंड ज्यादातर इस पर डाउट आ रहा था कि सर आप हमारा अकाउंट हैंडल करेंगे सो so नो no. मैं अकाउंट आपका हैंडल नहीं करूँगा अकाउंट आप अपना ही हैंडल करेंगे बट मैं इन एडवांस आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा स्टॉक आपको अभी पाँच मिनट के बाद देने वाला हूं आप उसे ऑलरेडी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जब मैं आपको स्टॉक बताऊं तो आप उसे ऐड करें फिर बाय करें ठीक है तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो ये आपको नंबर दे रखा है या फिर वॉट डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दे रखा है यू कैन गो एंड चेक आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन पे नंबर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो वहाँ पर आप हमें कर सकते हैं मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा लास्ट डेट इज़ फोर्थ फिफ्थ को हम लोग स्टार्ट करें फ्रॉम मंडे ठीक है सो लिमिटेड सीट्स हैं फॉर अ प्लान थ्री जिसपे फिफ्टीन थाउजेंड लाइफ टाइम है दो पर्सन ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो मतलब थ्री सीट्स आर अवेलेबल इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट बी नो ओके okay? सो so, ज्यादा देरी नहीं करते हैं एंड करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को आई होप कि इस तरीके से आप लोगों ने भी प्रॉफिट्स कमाए होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जो प्रॉफिट मैंने डाला है वो आपका ही है सो यू कैन कमेंट डाउन आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं कि यस सर दिस इज माय प्रॉफिट एंड अपना प्रॉफिट आगे लिख सकते हैं सो विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज एंड डोंट वरी मैंने एक इंस्टाग्राम पर प्रैंक करा था आप लोगों के साथ बोल के कि मैं सब कुछ क्विट कर रहा हूँ मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा मैं यूट्यूब बंद कर रहा हूँ बट इट्स जस्ट एन अप्रैल फूल अप्रैल फूल था फर्स्ट अप्रैल था तो मैं आप लोगों को फूल बना रहा था डोंट यू नीड टू वरी सब कुछ ठीक है सब कुछ एज प्लैंड है एंड सब कुछ बढ़िया चलेगा चलिए गाइस मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो पे, मैं शिवान वसीन साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय